इतिहास गवाह है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी जब भी साथ में आती है कुछ धमाल तो जरूर करती है। ओम शांति ओम हो या फिर चेन्नई एक्सप्रेस या फिर पठान, इन फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब खबर है कि एक बार फिर ये जोड़ी फिल्म जवान से स्क्रीन पर जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान फिल्म के सेट से दोनों की कुछ इनसाइड तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म जवान को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ एक्ट्रेस नयनतारा भी नजर आने वाली हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म में दीपिका पादुकोण का भी कैमियो रोल है। इसके लिए दोनों स्टार्स ने शूटिंग भी कर ली है जिसकी फोटो सामने आई है। बताया जा रहा है कि जवान फिल्म में दीपिका पादुकोण ने एक स्पेशल सॉन्ग के लिए शूटिंग की है। इन तस्वीरों में दोनों व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और मैचिंग ब्लैक बूट्स में स्पॉट किए गए हैं। दीपिका ने हाई पोनीटेल के साथ गले में रेड कलर का स्कार्फ भी डाला हुआ है। दोनों कोई स्टेप करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने जवान का एक स्पेशल सॉन्ग शूट किया है। मंगलवार की सुबह दोनों ने इस गाने की शूटिंग पूरी कर ली है। आपको बता दें कि इससे पहले शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को पठान की सक्सेस के वक्त एक इंटरव्यू में साथ देखा गया था। इस इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान की तारीफ करते हुए कहा था, ईमानदारी से कहूं तो हम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए निकले हैं। शाहरुख खान ने मुझे अपनी पहली फिल्म में यही सिखाया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन लोगों के साथ काम करना चाहिए जिनके साथ आपको खुशी मिलती है, चाहे ओम शांति ओम हो या फिर चेन्नई एक्सप्रेस। इसे हमारे रिलेशनशिप में मौजूद प्यार और विश्वास ने स्पेशल बनाया है। आपको बता दें कि फिल्म जवान जून के महीने में सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को साउथ के फेमस डायरेक्टर अटली डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा साउथ एक्ट्रेस नयनतारा भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। गौरतलब है कि ये फिल्म एक्शन से भरपूर होगी। खैर, आप लोग शाहरुख खान की जवान में एक बार फिर से शाहरुख दीपिका को एक साथ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, शेयर कीजिएगा अपने जवाब हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में।